हाय, मैं हूँ विनी और ये मेरा 1 साल पुराना रेन ट्री सीडलिंग है। इस पे आज थोड़ा मेंटेनेंस वर्क करूँगा। इसकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा हो गई, तो ये कम करना है। इसके जो पानी में रूट्स हैं ये टैंक साफ़ करना है, रूट्स में थोड़ा प्रूनिंग करना है, इसमें थोड़ा कीड़े मकोड़े हैं वो भी साफ़ करना है। तो छोटा सा मेंटेनेंस वर्क ही होगा इस पे। और इसके पहले के दो जो पार्ट्स हैं उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो अंग्रेजी में थे, ये हिंदी में है। चलिए इस पर काम चालू करते हैं। ये फिलहाल तो मैंने काट दिया है, लेकिन इसके टिप पे जो इंसेक्ट्स हैं, जो मीली बग्स हैं, ये देखिए, यहाँ पे एक मीली बग है और यहाँ टिप में भी हैं उसके छोटे छोटे। तो अगर मैं इसको रिटेन करता प्लांट पे, तो इस तरह का ब्रश से लेके इसको साफ कर देता। ये देखिए चला गया, यहाँ पे सब फिंगर पहुंचता नहीं है, अपना फिंगर बहुत मोटा है ये गैप में घुसाने के लिए। तो इसका ये ब्रश बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। ये देखिए, कभी कभी मैं तो ये पेंटिंग ब्रश भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो इससे भी पतला है और छोटे छोटे जगह में पहुंच सकता है, घुस सकता है। तो ये खाली डेमो के लिए किया मैंने, ये तो काट दिया, इसका भी क्लीन करके कोई फायदा नहीं है। बट ये अगर अभी पौधे पे होता तो इसी तरह साफ करता। इस पे अभी कोई कीड़ा बाकी नहीं है, तो यहाँ पे अभी साफ करने के लिए कुछ है नहीं। तो जो मैंने पहले सोचा था कि साफ करना है, वो प्रूनिंग के बाद मैंने किया, इसीलिए अच्छा हुआ कि वो काम बच गया। तो हमेशा अगर इंसेक्ट्स से इंसेक्ट्स निकालने हैं आपको, पहले प्रूनिंग कीजिए, देखिए कि कितना काट सकते हैं, और उसके बाद जो बचा है वो साफ कीजिए, नहीं तो आप फालतू में एक्स्ट्रा क्लीन करेंगे और वो सब प्रूनिंग के बाद निकल जाएगा। अभी मैं सोच रहा हूँ ये जो ब्रांच है इसको भी स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो ये और भी लंबा होगा। मेरे को अभी इसका थिकनेस नहीं बढ़ाना है, मेरे को साइड ब्रांचेस ज़्यादा चाहिए। तो मेरे को इस पे साइड ब्रांचेस चाहिए और इस पे भी चाहिए। तो इसका भी हाइट मैं थोड़ा सेम नहीं रखना चाहता, थोड़ा फ़र्क तो होना चाहिए। तो मैं शायद सोच रहा हूँ ये लेवल पर काट दूँ। तो इसके अभी देखिए साइड ब्रांचेस पैदा हो रहे हैं। ये एक नया ब्रांच है, ये देखिए, ये एक नया ब्रांच है, और ये इस पे भी देखिए साइड ब्रांचेस हैं, एक दो, और पीछे की तरफ है एक तीन, छोटा सा आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए। तो अभी ये जो वी जंक्शन है इसमें तीन नए ब्रांचेस हैं और एक छोटा ब्रांच मेन ट्रंक पे ही आ रहा है। मेरे को इस पे भी साइड ब्रांचेस चाहिए। तो अभी देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, सारा ग्रीनरी गायब हो गया, इतना मेहनत से बनाया था लेकिन सब निकल गया। लेकिन अगर आपको उसका प्रॉपर शेप करना है तो ये एक ज़रूरी स्टेप है। तो अगर आप मेरी तरह हैं जो ये सब करना नहीं चाहते, इतना मुश्किल से बनाया था, तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप एक्स्ट्रा प्लान्स रखिए अपने पास।
ताकि आपके पास जो आप प्रून नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा हरियाली देखना चाहते हैं, उसको अलग से रखिए, और कुछ प्लांट्स को इस तरह डेवलप कर सकते हैं आप। अभी इसका रूट साफ करना है। ये जो दो धागे आप देख रहे हैं, ये सेल्फ वाटरिंग के लिए है। ये देखिए, तो ये पानी सोख के इसके अंदर की जो मट्टी है उसको गीला रखते हैं। मैं ऊपर की मट्टी को गीला उन्हें पानी नहीं देता, क्योंकि इतना छोटा है ये, आप दिन में कितनी बार पानी देंगे। तो वो झंझट से छुटकारा पाने के लिए ये कर दिया मैंने, तो ये अपने आप काम करता है। अभी कई महीनों से मैंने इसको ऊपर पानी डाला नहीं है, ये सोख के गीला रहता। अभी गर्मी ज़्यादा है तो समर में मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा थ्रेड जो ऊपर पड़ा हुआ था उसको नीचे कर दिया, और एक है यहाँ पे, तो और ज़रूरत पड़े तो उसको भी नीचे कर सकता हूँ। और ज़्यादा पानी, समर में ज़्यादा पानी पीता है तो ज़्यादा थ्रेड्स की ज़रूरत है यार। बारिश में अभी खाली एक थ्रेड ही चाहिए, तो इसको मैं ऊपर करके ऐसे रख सकता हूँ, तो क्लाइमेट के हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। अब इसके अंदर ये थर्मोकोल बॉल डाले हैं, इसका पर्पस ये है कि वो ऊपर से लाइट ब्लॉक करेगा। अगर ये ब्लॉक नहीं रहेगा तो सनलाइट की वजह से इसके अंदर ग्रीन एल्गे फॉर्म होता है, और वो पूरा रूट्स से ही पकड़ लेता है, अंदर का वॉल भी गंदा कर देता है। तो इस तरह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है, क्योंकि वो साफ़ करना पड़ता पूरा। तो उस खाली उसका वही पर्पस है। और साइड ब्लॉकिंग के लिए ये ट्यूब, ये पेपर का रोल रखा है, तो इसको उठा के इसके अंदर डाल देंगे हम इस तरीके से। तो साइड से ब्लॉक हो गया, और ऊपर से ब्लॉक करने के लिए ये यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ये पैकिंग मटेरियल है बेसिकली, और आपको ये नहीं मिलता है, तो आप नॉर्मल थर्मोकोल शीट या फोम जो भी उसका पीस है वो लेके उसको छोटे छोटे पीसेस करके ब्रेक कर सकते हैं, या किसी रफ सरफेस पे, रफ वॉल पे उसको रब करेंगे तो छोटे पार्टिकल्स मिल जाएंगे इस तरह के, वो काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि वो राउंड ही हो, आपको क्या चाहिए कि कुछ फ्लोट हो जो लाइट को ब्लॉक करे। कोई भी प्लास्टिक चलेगा आपको, प्लास्टिक शीट भी डाल सकते हैं आप। प्लास्टिक शीट के दो तीन पतले पतले स्ट्रिप्स काट के डाल दीजिए, ब्लैक कलर का या डार्क कलर का हो तो अच्छा रहेगा, तो लाइट ज़्यादा ब्लॉक करेगा। इसको मैं अपने बैल्कनी में रखता हूँ, उसको हाफ डे का धूप मिलता है, और बैल्कनी में मैंने ग्रीन कलर का शेड नेट भी रखा हुआ है, तो ज़्यादा फुल धूप नहीं मिलता, इसको फिल्टर्ड धूप मिलता है। और दो तीन दिन के बाद मैं देखता हूँ कि इसका पानी का लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है, तो मैं हमेशा इसको ये लेवल पे मेंटेन करता हूँ, इससे नीचे नहीं जाना है। कि ऊपर जो खाली रखा है ये रूट्स हवा में हैं, अब ये जो ऑक्सीजन इनको चाहिए थोड़ा बहुत हवा से भी डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो ये हमेशा से मेरा सिस्टम रहा है। इसको आप, इसको इंग्लिश में क्रैट की हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, और आप यूट्यूब में इसका रिसर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे क्रैट की हाइड्रोपोनिक्स। तो वो चीज़ क्या है, वो क्या सिस्टम है, वो पूरा उन्होंने डिटेल में बताया। तो इसमें मेरे को ऑक्सीजन पंप डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे इसका पानी नीचे होता है तो रूट्स एडजस्ट कर लेते हैं, और उसको हवा से उसको ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करना चालू हो जाता है। तो हमेशा मैं ये लेवल को ही मेंटेन करता हूँ, ये कभी भरा नहीं है मैंने। ये लिक्विड एनपीके डाल रहा हूँ, थोड़े ड्रॉप इस तरह डाल के। अभी ये पानी का कंटेंट ज़्यादा, इसीलिए मैंने ज़्यादा बूंद डाले, छोटा कंटेनर होता था एक दो ड्रॉप ही काफ़ी होता था। तो अभी अपना सिस्टम रेडी हो गया पूरा। तो कटिंग के बाद ये शेप रहा हूं, तो
तो इसका ब्रांच स्ट्रक्चर अभी बना रहा हूँ, और ये ब्रांच स्ट्रक्चर बनाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, रूट्स बनाने में उतना टाइम नहीं लगता है। तो मेरा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि ये जो नए ब्रांचेस आ रहे हैं, ये छोटा सा नया ब्रांच है, तो मैं इसके ऊपर कुछ शेड नहीं चाहता। तो कई बार ऐसा होता है कि इसका जो ब्रांचेस के दूसरे लीव्स होते हैं वो इसके ऊपर आके शेड करते हैं, इसको सनलाइट नहीं मिल पाता है। तो मैं बार बार उसको काट के इसको ओपन करके रखता हूँ ताकि ये एरिया डेवलप हो सके। तो मैं दूसरे एरिया को अभी स्टॉप करना चाहता हूँ और इसको डेवलप करना चाहता हूँ। तो इवेंचुअली मेरे को काफ़ी सारे ब्रांचेस मिलेंगे, साइड ब्रांचेस, और ये ट्री इस तरह ये शेप में रहेगा, एक अम्ब्रेला टाइप का। तो दैट इज़ द होल विजन फॉर दिस। अब ये बड़ा कंटेनर होता तो आपका ग्रोथ भी फास्ट होता, ये जल्दी हो सकता था। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, अब आप कई तरीके से ये कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि यही एक तरीका है, ये मेरा तरीका है, एक एक्सपेरिमेंट है। आधा सॉइल में रूट्स है और आधा पानी में है, और जब से ये पैदा हुआ सीड से यही कंटेनर में है। और फिर भी देखिए इसका बार्क जो है, इस पर काफ़ी डिटेल्स आ चुके हैं, अभी वो उम्र का एक लुक आ रहा है इसमें। तो ये सीडलिंग अगर मैं ग्राउंड पे डालता तो एक साल में बहुत मोटा हो जाता, तो एक फिंगर या टू फिंगर जितना मोटा हो गया होता। तो एटलीस्ट वन फिंगर तो पक्का ही पक्का है, लेकिन वो फिर एक ट्रेडिशनल मेथड होता है। इस तरह का एक्सपेरिमेंट आपने शायद दूसरे कहीं पे भी देखा नहीं हो, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा पिछले एक साल से जब किया है। एक भी वीडियो ऐसा नहीं देखा जो आधा सॉइल में हो और आधा पानी में हो। तो मैं इसको हाइब्रिड पोनिक कहता हूँ, हाइड्रोपोनिक्स नहीं, हाइब्रिड, क्योंकि हाइब्रिड मतलब दो चीज़ें मिली हुई हैं, सॉइल और पानी। हर संडे को इसका पानी बदलता है, तो पुराना पानी हटा के नया पानी डालता हूँ। तो उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिच पानी है वो इसको मिलता है और पुरानी गंदगी सब निकल जाती है। और संडे को जब पानी बदलने के बाद मैं इसको फिर फर्टिलाइज़र भी डालता हूँ। तो ये एक मेहनत वाला काम है, अगर आप इसको मिट्टी में डालेंगे तो आपको इतना मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो पानी में, हाइड्रोपोनिक्स में आपको मेहनत ज़्यादा है। इसका अगला अपडेट में मैं इसका जो मिट्टी है, अंदर का सैंड है, वो पूरा रिप्लेस करने वाला हूँ। अंदर फिल्टर्ड सैंड रखा हुआ है, वो पूरा निकाल दूंगा और इसके जो रूट्स हैं कम्प्लीटली काट दूंगा, ये लेवल से काट दूंगा मैं। तो अभी तो मैंने ऊपर का प्रून किया है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा वापस डेवलप हो जाए, उसके बाद दो तीन महीने के बाद देखेंगे कि कर सकते हैं कि नहीं। इसका जो रूट्स हैं वो थोड़ा सा मैंने काट दिया नीचे से, क्योंकि वो जो कंटेनर है उसके बेस को टच करने लगा था और वो फिर बेंड होके ऐसा शेप बदल रहा था उसका, तो ये लेवल पे मैंने काट दिया उसको। चेकआउट में प्लेलिस्ट ऑल्सो, मेरे प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, खास करके ये वाला जो रेगुलरली अपडेट होता है, स्पेशली दिस वन विच इज़ फ्रीक्वेंटली अपडेटेड।